तेरी बेटी बहुत मस्त है, बाद में लौटा दूंगा। मेरी सुनवाई थाना पुलिस एवं जिला के आला अधिकारी द्वारा नहीं की जा रही है। मुझे डर है कि मेरी बेटी छत का इनहोनी ना हो जाए। एक माँ ये पत्र लिखती है और रजोल साहब को कमन नहीं भरा है, कह रहे हैं कि वो बड़ी मस्त है, जब उनका मन भर जाएगा वो भेज देंगे। अब ये बेटी आज उसकी डेड बॉडी मिली है, वो भी दुनिया में नहीं। जो लोग टिप्पणियां करते हैं कि चंद्रशेखर को मुकदमे करवा देते हैं चंद्रशेखर को, तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ यार, क्या बहनों के सम्मान के लिए चूड़ियां पहन के घर बैठ जाए? आज उस बच्चे की लाश मिली, मैं क्या करूँ? आप मुझे बताओ कानून व्यवस्था कहाँ? क्यों न्याय नहीं हुआ? अगर कानून व्यवस्था है, संविधान है, तो क्यों उस परिवार के साथ न्याय नहीं हुआ? क्यों उस बेटी की जान देगा सुनूंगा? और ये सिस्टम और ये नेता क्या कर रहे हैं? अब आप बताइए मैं क्या करूँ? रजाई में चिपके घर में बैठ गया। दो दिन कप्तान साहब, डीएम साहब, मैं आपको देता हूँ, तीसरा दिन मैं आपको नहीं दूंगा। लेकिन अगर आप आरोपी को बचाने का प्रयास करेंगे तो फिर मैं भी आऊंगा और आमना सामना भी होगा। मैं भक्तों से भी कहना चाहता हूँ, कैसे बहुजन समाज में जन्मे सभी संतों गुरुओं महापुरुषों को नमन करते हुए और जो नायक महानायिकाएं हुए हैं बहुजन समाज की, उनको भी नमन करते हुए आज मैं नायक नायिकाओं महापुरुषों का नाम इतने नहीं ले पाऊंगा, क्योंकि आज बड़ी तकलीफ में हूं और तकलीफ आपसे बयां करनी पड़ेगी। रात को इतनी देर रात आपसे बात इसलिए करनी पड़ रही है कि कल तक चीजें खानी पड़ रही है, तो मैं चंद्रशेखर आजाद अपने को आपको उस समय में बड़ा बहादुर खुद को समझता हूं और मैं समझता हूं कि भीम आर्मी भी बहुत ताकतवर है, बहादुर लोगों की एक संगठन टीम है, लेकिन कभी कभी सिस्टम जो है एहसास कराता है कि नहीं, हम बहादुर नहीं है और संविधान और ये लोकतंत्र कानून व्यवस्था ये सब कहने की बात है। गुलाम भारत में जो वंचित वर्ग के लोगों सहना पड़ा, आजाद भारत में भी वो सहना पड़ रहा है जो पिक्चरों हमने कभी देखा था कि भाई कोई ताकतवर आदमी किसी गरीब की कहानियों में अगर आप देखा गरीब की बेटी को उठा ले जाता है, परिवार थाने कचहरी के चक्कर लगाता है, न्याय की गुहार लगाता है, कोई कार्रवाई नहीं होती, सब लोग मिलके परिवार को ही दबाने का काम करते हैं, फिर परिवार टूट जाता है, पता लगता है कि बच्चे के जो पीड़िता की माँ थी उसने उसको उसकी तब वो उसकी डेथ हो जाती है, पिता अपने आप सुसाइड कर लेता है। बहुत सारी ऐसी कहानियां पिक्चरों में आप लोगों ने सुनी होगी, देखी होगी, मैंने भी देखी है। लेकिन आज जो बात है, एक लगभग ऐसी कहानी आज मेरे सामने आई, आपसे बतानी पड़ेगी, आपके जरिए जिन लोगों तक संदेश पहुंचाना उन तक भी पहुंच जाएगा। कहानी सुनाता हूं, कहानियों का दौर चल रहा है तो कहानी आपको सुनाता हूं, हुआ क्या है। एक पत्र भी है उसको भी सुनाऊंगा। घटना है 8/12/2021 की, 8 दिसंबर 2021 उन्नाव जिले में। एक बेटी है, अमर्तिका हो चुकी है, नाम आप कुछ भी ले लें, उसको एक ताकतवर उन्नाव के पूर्व एक पार्टी के राज्य मंत्री, उनके बेटे हैं
सुरजोल सिंह, अरुण कुमार सिंह और सुरजोल सिंह, अब वो उसको ले जाते हैं उठाकर। घटना कब की है? 8/12/2021। दूसरी खबर के अनुसार 10 जनवरी को, यानी कि 1 महीना 2 दिन के बाद FIR हुई है रजोल सिंह जी के खिलाफ। रजोल सिंह बड़े मंत्री जी के बेटे हैं, बाहुबली मंत्री जी, अब तो शायद नहीं रहे हैं, उनके बेटे हैं, मतलब ताकतवर आदमी हैं। 1 महीना 2 दिन बाद गुमशुदगी की रिपोर्ट हुई है 10 जनवरी को। लगभग 62 दिन बाद आज उस बेटी का शव मिला है, लगभग 3 बजे। कहने को ज्यादा कुछ नहीं है, हमने हाथरस देखा, उन्नाव देखा, आगरा देखा, चुनाव समर चल रहा है, लोगों के लिए चुनाव का समर है, वोटों का नफा नुकसान है, पर यही हमसे नहीं आता, चंद्रशेखर आजाद से यही नहीं आता चुनावी नफा नुकसान, ना वो उसको देखना चाहते ना उसको दिखाई देता है। बहुजन आंदोलन के सिपाही हैं, बहनों की सम्मान सुरक्षा की गारंटी लेके घूमते हैं। कहानी का कुछ और हिस्सा भी बताऊंगा, बस कहानी को डिटेल में थोड़ा बताता हूँ। 8 दिसंबर को बच्ची को अगवा किया गया,